दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुड़हल के प्लांट पर किस तरह से बिना कुछ खर्चा किए हम बहुत सारे फूल ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन स्पून गार्डन में। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन आज हम फाइनली आपके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आए हैं। ये मेरा एक गुड़हल का प्लांट है और इस पर आप देख रहे हैं कि कोई भी फूल नहीं है और जो कलियाँ हैं वो सूखी हुई हैं, सिर्फ एक दो कलियाँ आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये है कि हम गुड़हल के प्लांट पर ऐसा क्या डालें जिससे हमारे प्लांट पर बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े फ्लावर्स आ सकें और बहुत सारी संख्या में फ्लावर आ सके। दोस्तों, इस वीडियो में जो फर्टिलाइज़र हम आपको बताने वाले हैं वो आप अपने घर पर ईजिली बना सकते हैं और इसमें आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं आएगा। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह है कि आप अपने इस फर्टिलाइज़र को किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, और इसके आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह की कुछ पत्तियाँ चाहिए होंगी। जो भी आप पत्तियाँ आप काटते हैं या आप प्रूनिंग करते हैं पत्तियों की, उन पत्तियों को आप अलग से रख लीजिए और एक बाल्टी के अंदर इस तरह से स्टोर कर लीजिए। आप चाहे तो कुछ जो सूखे हुए फूल होते हैं आप वो भी डाल सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। और दोस्तों, आप किसी भी प्लांट का फूल डाल सकते हैं, चाहे वो सदाबहार का हो या कोई भी हो। साथ में आप नीम की पत्तियाँ इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। जितनी आप पत्तियाँ बाकी ले रहे हैं आप उतनी सारी नीम की पत्तियाँ इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। नीम की पत्तियों से बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ में मैं इसमें डाल रहा हूँ तुलसी की पत्ती। दोस्तों, आधा बाल्टी पानी भरने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे सीवीड एक्सट्रैक्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट है तो आपको ये करीब 2 चम्मच ज़रूर डालना है। और इसके बाद आपको इसको करीब 2 दिन के लिए छोड़ देना है। और 2 दिन के बाद आपका जो ये फर्टिलाइज़र है ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आप चाहे तो उसको 10 या 15 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, उससे आपका ये फर्टिलाइज़र और ज़्यादा पावरफुल बनेगा। ये देखिए, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ये जो पत्तियों के न्यूट्रिएंट्स हैं ये इस पानी के अंदर आ जाते हैं। और फाइनली इसको हमें एक किसी छलनी की मदद से छान लेना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फर्टिलाइज़र का यूज़ मैंने पहले भी किया हुआ है एज ए एक्सपेरिमेंट, और जब मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं उसके बाद ही ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपके सामने इस फर्टिलाइज़र को लेकर आया हूँ। ये देखिए, इसको छानने के बाद हमें इसके अंदर कोई भी पानी मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको छानने के बाद अब हम डायरेक्ट इसको अपने प्लांट में दे देंगे। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बिल्कुल एप्पल जूस की तरह है, और ये एक तरह से एप्पल जूस ही है हमारे प्लांट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपने इस फर्टिलाइज़र को अपने गुड़हल के पौधे के अंदर किस तरह से देना है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपने गुड़हल के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को सिर्फ शाम के टाइम यूज़ करेंगे, आप इसको दिन में यूज़ नहीं करेंगे, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे। और देने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक टाइम पर वाटरिंग नहीं करनी है, और सुबह के टाइम, मतलब आपको सुबह के टाइम पानी अपने पौधे में नहीं डालना है, उसकी मिट्टी को सूखा रखना है। और अब ये देखिए, मेरी भी प्लांट की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूखी है। और फाइनली इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक 12 इंच के गमले के अंदर 4 से 5 ग्लास आप आराम से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके प्लांट में नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको उसको सिर्फ शाम में यूज़ करना है। और आप चाहें तो अपने इस फर्टिलाइज़र को 1 महीने में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 बार में प्लांट आपका थोड़ा सा डाईबैक हो सकता है। दोस्तों, यह है 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट। ये देखिए, हमारे प्लांट पर कितने अच्छे अच्छे फूल खिल चुके हैं, ये देखिए। और ये सिर्फ एक या दो नहीं है, ये काफ़ी सारे नंबर्स में, करीब ये 15-20 फूल एक प्लांट पर हैं, ये देखिए। तो इतना अच्छा रिज़ल्ट इस प्लांट का हमें मिलता है, सॉरी फर्टिलाइज़र का। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको इस फर्टिलाइज़र के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया है ये सिंपली एक तरह से पत्तों की खाद है। पत्तों की खाद जिस तरह से बनती है उसको बनने में करीब ऑलमोस्ट
7 से 8 महीने लगते हैं। पत्तों की खाद किस तरह से बनानी चाहिए उसका भी वीडियो है, और उसका ये देखिए लिंक ऊपर आ रहा है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो हमने पत्तों का जो ये खाद बनाया है, ये हमने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, ये एक तरह से इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाया है, और जो हमारे पत्तों का न्यूट्रिशन होता है वो हमने प्लांट को डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में दिया है, जो कि हमने फर्टिलाइज़र 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट तैयार करा है। और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे फूल हमारे गोडल के पार्ट में मिल चुके हैं। तो दोस्तों, इस कमाल के फर्टिलाइज़र के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और कमेंट करके आप अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।